तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे किसी भी शाओमी के डिवाइस में रूट का लेटेस्ट वर्ज़न यानी कि मैजिक 24 रूट यहाँ पे किस तरीके से किसी भी शाओमी के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहां पे शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें एक चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट बता दूँ कि रूट करने से पहले आपके मोबाइल में यहाँ पे कस्टम रिकवरी फ्लैश होनी चाहिए। और मैंने ही अभी एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है कि आप यहाँ पे कस्टम रिकवरी किसी भी शाओमी के डिवाइस में किस तरीके से फ्लैश कर सकते हैं, वो भी विदाउट पीसी विदाउट रूट। तो उस वाली वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली उस वाली वीडियो को चेकआउट करके अपने मोबाइल में कस्टम रिकवरी फ्लैश कर लेनी है। और कस्टम रिकवरी फ्लैश करने से पहले आपके मोबाइल का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक होना चाहिए। और मैंने उस पर भी एक लेटेस्ट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, 2022 लेटेस्ट ट्रिक। तो आप उस वाली ट्रिक की हेल्प से अपने मोबाइल का बूट लोडर भी यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। तो इतना सब करने के बाद आपको अपने मोबाइल में पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को होल्ड करके यहाँ पे कस्टम रिकवरी पे बूट हो जाना है। तो इतना सब आने के बाद चाहे आपके मोबाइल में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी हो, चाहे आपके मोबाइल में TWRP हो, चाहे आपके मोबाइल में यहाँ पे ब्लैक पिच रिकवरी हो, आपको इसमें ये फाइल्स का ऑप्शन, बैकअप्स का ऑप्शन, वाइप का ऑप्शन और आपको इसमें ये मेन्यू का ऑप्शन 100% वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको सिंपली फाइल्स के सेक्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने मैजिक्स 24 को डाउनलोड करके जहाँ पे भी सेव कर रखा है, तो मैंने एक फ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के। आपको मैजिक्स 24 जिप फाइल को डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करने के बाद आपने उसको जिस भी फोल्डर में सेव कर रखा है आपको सिंपली उसको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको सिंपली लास्ट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। बाकी के दो ऑप्शंस आप सेलेक्ट करें चाहे ना करें, आपको उसमें कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली फिर इसको स्वाइप टू इंस्टॉल यहाँ पर कर देना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा इसमें मैजिक 24 इंस्टॉलर इंस्टॉलिंग होना शुरू हो चुका है। मुझे इसमें माउंटिंग डिवाइसेस सिस्टम एज रूट और मुझे इसमें टारगेट इमेज और मेरी इसमें फ्लैशिंग न्यू बूट इमेज भी हो चुकी है। तो इतना सब होने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है मैजिक 24। तो अब मैं आपको इसमें सिस्टम में रिबूट करके दिखा देता हूँ क्या मुझे इसमें मैजिक 24 का APK इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिला है। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि ये मैजिक 24 एंड्रॉयड 12 को भी सपोर्ट यहाँ पे मेरे हिसाब से करता है। आप यहाँ पे एंड्रॉयड 12 में फ्लैश करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको एंड्रॉयड 12 में फ्लैश किया था और मेरा यहाँ पर ये एंड्रॉयड 12 में भी फ्लैश हो चुका था, लेकिन अब मैं आपको इसमें MIUI 12.5 और एंड्रॉयड 12 में एंड्रॉयड 10 में मैंने आपको ये फ्लैश करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो मेरा यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बूट अप हो चुका है विदाउट एनी एरर। तो इतना सब होने के बाद आपका मोबाइल यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे इसमें मैजिक का APK देखने के लिए मिल चुका है। तो आपको सिंपली एक बार इस पर टैप करना है। एक बार टैप करने के बाद आपका इसमें ये अपग्रेड टू फुल मैजिक टू इंस्टॉल द सेटअप, तो आपको सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप कर देना है। तो इतना सब होने के बाद फिर आपका पैकेज इंस्टॉलर आपसे परमिशन मांगेगा कि आपको मैजिक को यहाँ पे इंस्टॉल करना है या फिर नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा इसमें वर्जन 1.24 में इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको सिंपली एक बार यहाँ पे इंस्टॉल पे टैप कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा इसमें मैजिक 24 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च पे टैप कर देता हूँ। तो लॉन्च पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं है। आपको इसमें होम, सुपर यूज़र, लॉक्स, मॉड्यूल्स, आपका इसमें ये ऑफिशियली यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। और अगर आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स फ्लैश करने हैं और अगर आपके SD कार्ड में जो भी मॉड्यूल सेव हैं तो आप इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे जाइए। इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में जा कर के
आपने अपना रूट मॉड्यूल्स जिस भी फोल्डर में सेव कर रखे हैं। तो मैंने इसमें एसडी कार्ड में रूट मॉड्यूल्स में मेरे बहुत सारे रूट मॉड्यूल्स हैं, तो आप किसी को भी सिलेक्ट करके ओके पे टैप कीजिए तो आपके यहाँ पे फ्लैशिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो की, आप यहाँ पे मैजेस 24 को इस तरीके से फ्लैश कर सकते हैं अपने किसी भी शाओमी के डिवाइस में। तो यही थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।